हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता आपके लिए ये आज डबल कलर की हनीकॉम डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये हनीकॉम डिज़ाइन आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये आज आपको डबल कलर में बताऊंगी। ये डबल कलर में ये देखिए मोती की तरह उभरा उभरा हुआ सा दिखता है। ये इस डिज़ाइन की एक खास बात क्या है कि ये काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन होती है, यानी इसको ये फैलने वाली डिज़ाइन होती है और काफ़ी कंफर्टेबल होती है, और उल्टे से भी बहुत ही इसमें सफाई आपको दिखती है। ज़रा भी ये नहीं होता है कि आपका वुल इधर से उधर ओवरलैप किया हुआ है। ये बेबी स्वेटर में तो खासकर बहुत खूबसूरत दिखती है। ऐसे ये डिज़ाइन आप कहीं पर भी डाल सकती हैं, जैसे जेंट्स के हाफ स्वेटर में हो गया या ब्लाउज़ में हो गया। ब्लाउज़ में भी ये डिज़ाइन कंफर्टेबल होती है, क्योंकि ब्लाउज एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिटिंग की ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, और ये स्ट्रेचेबल होने के कारण बॉडी में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। इसे आप बनाने के लिए आप फंदे 2 से मल्टीपल लेंगे, यानी मैंने इसमें 2 से मल्टीपल फंदे 20 फंदे लिए हैं, और एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, यानी मैंने इसमें टोटल 21 फंदे लिए। आपको जितने भी बड़े स्वेटर बनाने हों, चाहे बच्चे के या बड़े के, इसे 2 से मल्टीपल में बनाएंगे और एक फंदा सिर्फ एक्स्ट्रा लेंगे। और एक बात और है इस डिज़ाइन में, इसे आप जब भी बनाएं तो जेंट्स की स्वेटर में अगर बना रही हो तो आगे के पल्ले में अगर आप ये डिज़ाइन डालती हैं तो 10 फंदे कम लें, क्योंकि ये काफ़ी फैलने वाली डिज़ाइन होती है। और बेबी स्वेटर में आप 5 फंदे कम ले सकती हैं इसमें। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 रो मुझे दोनों तरफ से सीधे बना लेने हैं, जो मैंने इस कलर से, ये टर्किश ग्रीन मैं यूज़ की हूँ और वाइट यूज़ की हूँ, 2 कलर। इस कलर से आप 2 कलर सीधा, 2 रो सीधा बना लेंगे जो मैं बना कर रखी हुई हूँ। और अब मैं आपको डिज़ाइन बताती हूँ कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर, अब हर 2 रो के बाद यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको व्हाइट कलर से लगा कर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं एक फंदा सीधा बना लेना है, एक फंदा सीधा बना लेंगे। एक फंदा सिंपल सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें ना डालकर इसके नीचे में, यहाँ पर बीच में ऐसे डालते हैं, ये यहाँ पे डालते हैं और इसे एक सीधा बुन लेंगे। ये सीधा बनाने के बाद इस पूरे फंदे को ऐसे नीचे गिरा लेते हैं। फिर से एक सीधा बनाते हैं सिंपल, और वैसे ही दूसरे में नीचे से डालते हैं इसमें, और एक सीधा बनाने के बाद इसे गिरा लेंगे। ऐसे ही पूरे रो में रिपीट करना है, एक सीधा और एक इसमें डालकर ऐसे ये गिरा लेते हैं। ये पूरी रो में आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ। एक सिंपल सीधा और एक नीचे में फंदे में डालकर इसे गिरा लेंगे। पूरी सलाइयाँ ऐसे बना लें इसे। और लास्ट में फिर एक सीधा सिंपल, जैसा शुरू में किया था वैसे एक फंदा। और उल्टे से पूरी सिलाई उल्टी ही बनाएंगे, सीधी बनाएंगे पूरी सिलाई। उल्टे से पूरी सिलाई सीधी बनाते हैं, उसमें कोई डिज़ाइन
नहीं डालते हैं। अब ये सीधी तरफ से दो सलाई के बाद मैं कलर को चेंज करूंगी। ये ध्यान रखिएगा, हर दो सलाई के बाद कलर चेंज होता है। यहाँ पर शुरू में ही बस थोड़ा सा चेंज होगा मेरा, जैसे सफेद से मैं बना रही थी तो एक फंदे के बाद यहाँ पर मैंने डाल के बनाया था नीचे में, इसमें दो फंदे के बाद डालना है। जैसे दो फंदा मैं सीधा बना लूंगी, दो फंदा सीधा बनाने के बाद इसके नीचे में यहाँ पर फंदे के नीचे डालकर एक सीधा बुन लेना है, और फिर से पूरी रो को वैसे ही बनाएंगे जैसे वाइट से बनाया था, यानी एक प्लेन सीधा और एक नीचे से, पूरे फंदे को वैसे ही बना लेंगे फिर से। एक प्लेन सीधा और एक इसके अंदर से डालकर, और लास्ट के इसमें दो फंदे मेरे प्लेन सीधा बनेंगे, क्योंकि शुरू में मैंने दो फंदा सीधा बनाया है, वैसे ही लास्ट में भी मुझे दो फंदा प्लेन सीधा बनाना है। ये देखिए, ये मेरी वाइट वाइट ये मोती की तरह उभर के आ गई सामने, और उल्टे से पूरा सीधा ही बुनेंगे, जैसे वाइट वाले रो में मैंने बनाया था, इसमें भी पूरा सीधा बुनेंगे। ये उल्टे से पूरा सीधा बना ली हूँ, बस यही चार रो मेरा बार बार रिपीट होगा। जैसे अभी मुझे फिर से वाइट लगाकर, जैसे वाइट पहली बार बनाई थी वैसे बना लेंगे, जैसे एक सीधा बनाकर फिर इसके ऐसे बीच से डालकर इसे एक सीधा बुन लेंगे, बस ऐसे ही पूरे रो को आगे बनाएंगे और उल्टे से पूरा सीधा बुन लेंगे। बस हर दो रो पे आप ऐसे ये डिजाइन हो कलर को चेंज कर लेना है। काफी सिंपल सा डिजाइन है और खूबसूरत सा है। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।